यूरोप देख लेते हैं। अनिल मेहता यूरोप बताना चाहता है। यूरोप आपके बस की बात नहीं है, अब आप टाइम ज़्यादा लगा दोगे, मेरे को ही बताने दो। यूरोप और एशिया दोनों हैं। चाबी अरे इतने मजे लेते हो हैं? अरे रे रे क्या कैसे राजी हो रहे हो ऐसे? चलो हाँ, ये सीसी करना तो बंद करो। अब हम रिवाइज करते हैं एक बार। यूरोप्स माउंटेन्स वगैरह वही बात, अपनी अपनी कॉपी खोल के रखना, जो कॉपी लेके आए हो, नहीं लाए हो तो कोई बात नहीं, यहां सुनना और खुद भी बोलना, एक बार मेरे को बोलने देना साथ साथ। ऐसे नहीं कि ज्यादा चिल्लाओ, और आराम से साथ साथ, और थोड़ा स्पीड से भी रिवाइज करेंगे जल्दी जल्दी। बड़ी क्लास है तो एक बार थोड़ा ध्यान से कंसंट्रेट, हिलना नहीं है। कोई मेरे को बात करता हुआ दिख गया बीच में तो फिर ध्यान करना। माउंटेन्स देख रहे हैं सबसे पहले, तो चार तो यहाँ पे हमने पढ़े थे। यूरोप, यूरोप के माउंटेन्स में ब्लॉक माउंटेन्स, वोसेजीज जूरा ब्लैक फॉरेस्ट हॉर्ज, वोसेजीज जूरा ब्लैक फॉरेस्ट, वोसेजीज खंड पर्वत ब्लॉक माउंटेन्स। फिर यहाँ पे कैंटाब्राइन, कौन सा है कैंटाब्राइन? ये पिरेनीज। और फिर यहाँ पे कौन सा है? आल्प्स माउंटेन, एपिनाइन्स, दिनारिका आल्प्स, ये पिंडस, बल्कान, ये कार्पेथियंस, कार्पेथियंस, कोकेसस और यूराल माउंटेन्स, ये पिनाइन्स है, ये पेनाइन्स। देखो कैंटाब्राइन का स्पेन, स्पेन में स्थित है, और एब्रो, एब्रो नाम की नदी का उद्गम होता है। पिरेनीज फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर रीजन, सीमा क्षेत्र पर स्थित है, और एंडोरा नाम का कंट्री यहाँ स्थित है। आल्स नाम का माउंटेन यहाँ हम देखते हैं कि कहाँ स्थित है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली, फ्रांस। सेब से याद किया था इसको, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली, फ्रांस में स्थित है। कैसा है ये? नवीन वलित पर्वत, यंग फोल्ड माउंटेन, केवल केवल यूरोप की बात करो सबसे अधिक एक्सटेंडेड और सबसे अधिक ऊंचा, हाइएस्ट माउंटेन, हाइएस्ट पीक माउंट ब्लांक, माउंट। एक और मैटर हॉर्न, मैटर नदियां यहां से, राइन रोन पो, राइन रोन पो, राइन रोन, और यहां पे खनिज मिलते हैं कॉपर वगैरह आपको। फिर आपके बाद में कहा अपने एपिनाइंस, एपिनाइंस कहा? इटली में टिबेर नाम की नदी का उद्गम होता है। दिनारी काल से पिंडस, पिंडस ग्रीस में, बल्कान बुल्गारिया बोटेव, बल्कान बुल्गारिया। फिर ये कौन सा है? कार्पेथियंस, टेट्रा माउंटेन इससे का पार्ट है। कोकेसस ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में, दोनों के बीच में बाउंड्री, सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रूस, कौन सी है? यूरोप की हाईएस्ट है। फिर यूराल माउंटेन, यूराल माउंटेन दोनों के बाउंड्री रीजन पर, कैसा है ये? प्राचीन वलित पर्वत, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है ये, और यहां हमने देखा दोनों के बीच में सीमा बनाता है, और हाईएस्ट भी कौन सी है? नरोदनाया, और यूराल नाम की नदी का यहाँ से उद्गम ओरिजिन होता है। ये सारे के सारे माउंटेन को आल्स माउंटेन कहा जाता है, आल्स माउंटेन रीजन। और इनका ओरिजिन कैसे हुआ, ये कैसे बने हैं? यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट के अभिसरण कॉन्वर्जेंस इनका निर्माण हुआ। फिर उसके बाद में हमने पठार पढ़े, और पठारों में यहाँ इस वाले पार्ट में देखा पहले तो मेसेटा सेंट्रल, और ये मैसिव सेंट्रल, फिर यहाँ पे बवेरियन, फिर बोहेमियन और फिनो स्कैंडिनेवियन, फिनो स्कैंडिनेवियन। पहला कौन सा है? मेसेटा सेंट्रल, तो मेसेटा सेंट्रल स्पेन, स्पेन और पुर्तगाल में, स्पेन की राजधानी मैड्रिड स्थित है। एक कहा जाता है इसको आइबेरिया का पठार, कौन सा पठार? आइबेरिया का पठार। एक नदी बहती है टेगस, टेगस नाम की नदी बहती है, और यहां हम देखते हैं कि 1-3-5 आयरन और लोएस्ट मिलता है। फिर ये कौन सा है? मैसिव, मैसिव का पठार फ्रांस में स्थित है, और लोअर और लोअर और सीन नदियों का उद्गम होता है यहाँ से। विटिकल्चर अंगूर की खेती, बवेरियन, बवेरियन जर्मनी में स्थित है, कॉन्स्टांस झील और डेन्यूब रिवर बेसिन उसके बीच वाले पार्ट में स्थित है, और यहाँ से देखते हो 1-3-5 आयरन और बोहेन मैसिव या फिनो स्कैंडिनेवियन, ये यूरोप के नॉर्थ वेस्टर्न वाले पार्ट में स्थित है। और यहाँ आप देखते हो कि ये सिल्ड का एग्जाम्पल है, सबसे पुरानों में से एक है, आयरन ओर और कॉपर मिलता है, और आयरन ओर कॉपर के साथ में देखते हैं हम नॉर्वे के आसपास के तट में क्या मिलते हैं, फ्योर्ड, फ्योर्ड बोले तो जलमग्न हिमनद घाटियां, सबमर्ज्ड ग्लेशियल वैलीज जैसे सोगना बोकने, ऐसे कुछ फ्योर्ड यहां मिलते हैं आपको। हजार जिलों का देश, कंट्री ऑफ
कंट्री ऑफ थाउजेंड लेक्स कौन सा है? फिनलैंड, फिनलैंड वाला पार्ट है। फिर हमने पर्वत पढ़े, पठार पढ़े, माउंटेन्स, प्लेटो, और उसके बाद में डेजर्ट है नहीं यहाँ पे, मैदान। मैदानों में हम देखते हैं कि इस वाले पार्ट से हमें कौन से मैदान मिलते हैं? स्टेपी नामक घास के मैदान लगभग यहाँ से लेकर यूरेशिया से कहाँ से स्टार्ट होते हैं? डेन्यूब, डेन्यूब रिवर बेसिन से लेकर यूरेशिया तक लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी में कैसे मैदान है? शीतोष्ण कटिबंधीय टेम्परेट ग्रासलैंड्स है। और यहाँ आप देखते हो कि आप 25 से 50 सेंटीमीटर बारिश होती है। कैसी? अर्ध शुष्क परिस्थितियां, सेमी एरिड कंडीशंस पाई जाती है। छोटी लेकिन पौष्टिक घास, कृषि पशुपालन मेनली गेहूं, गेहूं की खेती। और हंगरी और इसके आसपास के देशों में पुस्टाज या फिर इनको कहा जाता है पेनोनियन स्टेपी, पेनोनियन स्टेपी। फिर उसके बाद में हमने पढ़ी झीलें, तो झीलों में देखे एक बार मेरे को बताना देखे यहाँ से नाम, ये वाला जो स्वीडन वाला पार्ट है, यहाँ स्वीडन में कौन सी है? वानन झील। कौन सी है? वानन झील। फिर उसके बाद में यहाँ नॉर्वे, नॉर्वे, वे खाली करो, हॉर्न, हॉर्न बजाओ, हॉर्निन डल स्वातनेट, हॉर्निन डल स्वातनेट, हॉर्निन डल साइमा, माफी, माफी, फिनलैंड, साइमा, फिनलैंड, साइमा। और फिर बाद में देखते हैं सबसे बड़ी यूरोप की लाडोगा, दूसरी बड़ी ओनेगा, सबसे बड़ी लाडोगा, दूसरी बड़ी, दोनों की दोनों रशिया में, और दोनों की दोनों मीठे पानी की झील। कौन सी है? मीठे पानी की झील। फिर लाडोगा, उससे भी एक नदी का उद्गम होता है, कौन सी? नेवा। और इससे स्वीर नदी का उद्गम जो इसमें आकर मिल जाती है। मछलियां कहाँ मिलती है? लाडोगा, लाडोगा झील के आसपास। फिर दो झीले यहाँ पे, एक यहाँ इस वाले पार्ट में कॉन्स्टांस, और एक कौन सी है? जेनेवा। कॉन्स्टांस से साग यहाँ स्थित है। स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी में स्थित है। और ये जेनेवा, फंसना नहीं है, जीना है, फंसना नहीं है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड, फ्रांस और इसके बॉर्डर रीजन पे स्थित है। फिर कॉन्स्टांस, ऊपर की तरफ तो एक नदी जाती है राइन, और साउथ की तरफ रोन, राइन से इसका निर्माण और इसका रोन से निर्माण। साउथ जर्मनी में वाटर के सोर्स का काम, और यहाँ जेनेवा नाम का शहर स्थित है। ये हमारी क्या थी? झीलें। झीलों के बाद में फिर हमने क्या पढ़ी थी? नदियाँ। रिवर्स पढ़ी, तो रिवर्स पढ़ी, तो रिवर्स पहले छोटी मोटी थी नदियाँ, और एक फिर बड़ी नदियाँ थी। बताओ देखे एक बार, सबसे पहले पहले हमने देखा स्पेन और पुर्तगाल वाला पार्ट है, वहां से हमारी कौन सी नदी ओरिजिन होती है? टेगस। कहाँ से? केंद्रीय कोर्डिलेरा, सेंट्रल कोर्डिलेरा से। फिर कहाँ चली जाती है? अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन वाले पार्ट में। फिर इब्रो नाम की नदी के किनारे हम देखते हैं स्पेन का एक शहर है जारागोचा। कौन सा? जारागोचा। लोअर और सीन नदियां कहाँ से ओरिजिन होती है? मैसिव, मैसिव के पठार से। सीन तो कहाँ जाती है? इंग्लिश चैनल में। और लोअर कहाँ जाती है? बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी वाले पार्ट में चली जाती है। सीन के किनारे तो पेरिस है, और लोअर तो लॉन्गेस्ट, फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ से आल्स माउंटेन से ओरिजिन होकर एक नदी जाती है राइन नाम की नदी, किस कौन से देश के बीच में? फ्रांस और जर्मनी के बीच में, वोसेजीस और ब्लैक फॉरेस्ट के बीच में। किस में से बहती है? ब्रंस घाटी में से बहती है। ब्रंस घाटी में से बहने वाली दुनिया की सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर है। और फिर हम देखते हैं कि ये कहाँ चली जाती है? उत्तरी सागर, नॉर्थ सी। नॉर्थ सी में गिरने से पहले नीदरलैंड, नीदरलैंड के पास में रोटरडम, रोटरडम में बनाती है डेल्टा, और वो सबसे व्यस्ततम बिजिएस्ट पोर्ट है। फिर इसकी सहायक नदी कौन सी है? रूर। रूर के बेसिन में मिलता है कोयला, इसलिए इसको कहा जाता है। और इसका परिवहन कौन सी करती है? राइन रिवर, इसलिए इसको कहा जाता है कोल नदी या काली नदी या कोयला नदी। कौन सी को? राइन। फिर राइन को जोड़ा गया रोन से, राइन को किससे कनेक्ट किया गया? रोन से कनेक्ट किया गया, तो यहाँ पे आपको नेविगेशन सिस्टम मिलता है। और फिर आप देखते हैं कि आल्स माउंटेन से ओरिजिन होती है कौन सी? रोन, रोन नदी। रोना नहीं है, जीना है। जीना कैसे? लाइन, लाइन की तरह, लाइन्स की खाड़ी में, गल्फ ऑफ लाइन वाले पार्ट में आ जाती है। और आप इस देखते हो किसके किनारे? फ्रांस का एक शहर ल्योंस, ल्योंस नाम का शहर स्थित है। फिर यहाँ पे आल्स माउंटेन से आती है पो नाम की नदी, कहाँ? एड्रियाटिक सागर वाले पार्ट में। कहाँ की? इटली की सबसे लंबी नदी है, इसको कहा जाता है इटली की गंगा। मैदान कौन से हैं? लोम्बार्डी प्लेन्स और ट्यूरिन मिलान, सर ट्यूरिन मिलान। ट्यूरिन तो टायर ऑटोमोबाइल के लिए, मिलान फैशन उद्योग के लिए जाना जाता है। और फिर आप इसके साथ साथ देखते हो कि चावल की खेती करते हैं, करते होंगे। तो फिर यहाँ पे थेम्स नदी, ये तो लंदन, ऑक्सफोर्ड और रीडिंग नाम का शहर स्थित है। टिबेर नदी, यहाँ हम देखते हैं कि इटली, इटली में आप देखते हो कि रोम और वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी इसके किनारे स्थित है। फिर आप इसके बाद में देखते हो एल्ब नदी, एल्ब, एल्बो, प्राग, चेक गणराज्य की राजधानी प्राग। स्प्री, 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 बर्लिन, बर्लिन जर्मनी की राजधानी, बर्लिन इसके किनारे। विसे, विस्तुला, विसे, वॉर्सा पोलैंड की राजधानी। और ये डी, 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 सारे डी कहाँ जाते हैं? ब्लैक सी में। डेन्यूब नदी का उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट,
ब्लैक फॉरेस्ट से होता है और कहां जाती है, ब्लैक सी वाले पार्ट में जाती है, डेन्यूब नदी। और इसको देखते हैं, यूरोप की सेकंड लॉन्गेस्ट, कितने देशों से पास होती है, 10 देशों से। देखो राइन को रोन से, राइन रोन को डेन्यूब से जोड़ा गया है। और फिर आप देखते हो कि ये 10 देशों से पास होती है, 4 देशों की क्या है, राजधानी है। कोई बीवी बोलता है, कोई बीवी बोलता है, बीवी बीवी, ब्रातिस्लावा, वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड। ब्रातिस्लावा, वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड। तो 4 देशों की क्या स्थित है, डेन्यूब के किनारे राजधानियां स्थित है। और फिर निस्तर, निपर भी कहां जाती है, ब्लैक सी में, निपर के किनारे यूक्रेन की राजधानी कीव स्थित है। और फिर आप देखते हो कि डोन तो डोनेट करता है, इसलिए इतिहास में अजर, अजर अमर हो जाता है। अजोव सी में जाती है, कौन सी, डोन और डोनेट्स नाम की नदियां। और फिर डोन डोनेट क्यों करता है, क्योंकि वो कोयले का व्यापार करता है, तो कोयला मिलता है किसके बेसिन क्षेत्र में, डोनेट्स में। और डोन को फिर कनेक्ट किया गया, डोन सबसे बड़ा और सबसे लंबी कौन सी है, वोल्गा, दोनों को नहर के द्वारा जोड़ा गया। फिर आप देखते हो कि वी से वल्दाई पहाड़ियां और उससे वोल्गा, वोल्गा का ओरिजिन होता है। और वोल्गा नदी कहाँ जाती है, कैस्पियन सी वाले पार्ट में जाती है। इसको आप देखते हो कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है और ये मेनली कहाँ बहती है, रशिया, रशिया में बहती है नदी। और आप देखते हो कि यहाँ बेसिन में स्टेपी घास के मैदान और पेट्रोलियम वगैरह इस टाइप की चीजें आपको यहाँ मिलती है। यूराल नदी, ये कहाँ से ओरिजिन होती है, यूराल, ये आप देखते हो कि यहाँ पे यूराल माउंटेन से ओरिजिन होती है और कहाँ जाती है, कैस्पियन सी में। और यहाँ देखते हैं कि बाउंड्री बनाती है दोनों के बीच में, रशिया के साथ साथ कजाकिस्तान। खास बात, पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा, बर्ड्स फुट शेप्ड डेल्टा का फॉर्मेशन करती है कौन सी नदी, यूराल नदी। और यहाँ आप देखते हो कि स्टेपी घास के मैदान और पेट्रोलियम वगैरह इस टाइप की चीजें आपको यहाँ देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ना स्टार्ट की इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज में सबसे पहले कहाँ की पढ़ी हमने, यूके, यूके की इंडस्ट्रीज पढ़ी। और यूके की इंडस्ट्रीज वाले पार्ट में हमने क्या देखा, इधर वाले पार्ट से, लंकाशायर, यॉर्कशायर, डर्बीशायर, लंकाशायर, यॉर्कशायर, डर्बीशायर, लंकाशायर, यॉर्कशायर। और फिर इस वाले पार्ट में कौन सा था, यहाँ पे इस वाले पार्ट में वेस्ट मिडलैंड, क्या बोलता, वेस्ट मिडलैंड। और फिर ऊपर वाले पार्ट में एक था यहाँ पे आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, एक साउथ वेल्स, साउथ वेल्स वाला पार्ट। और फिर इस वाले पार्ट में हमने क्या देखा, कौन सा इंडस्ट्रियल, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, और एक स्कॉटलैंड का क्लाइड घाटी क्षेत्र, स्कॉटलैंड का क्लाइड घाटी क्षेत्र, ये वाले इंडस्ट्रियल रीजन पढ़े। फिर हमने यहाँ पे कौन कौन से इंडस्ट्रियल रीजन है उनके बारे में देखा हमने, कौन कौन सा, जैसे हमने सबसे पहले देखा यहाँ पे शिप मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है, बेलफास्ट ग्लास्को, बेलफास्ट, बेलफास्ट स्टील के लिए फेमस है, बर्मिंगम, तो बर्मिंगम, एडिनबर्ग, ग्लास्को, बर्मिंगम, एडिनबर्ग, ग्लास्को, बर्मिंगम। कॉटन टेक्सटाइल, मैनचेस्टर, लिवरपूल, मैनचेस्टर, लिवरपूल, मैनचेस्टर। पहली मिल कहाँ, जूट मिल, डंडी, डंडी नामक स्थान में, कहाँ पे, डंडी। और कोवेंट्री में क्या है, ऑटोमोबाइल, कोवेंट्री में ऑटोमोबाइल है। और उसके साथ साथ हमने यहाँ वाले पार्ट में देखा कि वो ब्रेडफोर्ड में क्या है, वूलन इंडस्ट्री। फिर फ्रांस और जर्मनी की इंडस्ट्रीज पहले कहाँ की देखी, रशिया की, रशिया की इंडस्ट्रीज देख लो पहले, तो रशिया की इंडस्ट्रीज देखी हमने। उस वाले पार्ट में कौन सा था, पहले तो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज देखी, वहां आयरन और स्टील इंडस्ट्री कहाँ कहाँ, पहले तो एक नाम था मैग्नेटो गोर्स्क, मैग्नेटो गोर्स्क, मैग्नेटो गोरनाया सोरिया, गोरनाया सोरिया, मास्को तुला, मास्को तुला, मास्को, नोवो कुजनेट्स्क, नोवो कुजनेट्स्क, नोवो। फिर हमने कॉटन टेक्सटाइल देखा, वहां सूती वस्त्र उद्योग, मास्को गोर्की इवानोवा, मास्को गोर्की, मास्को गोर्की इवानोवा इज द मैनचेस्टर, मैनचेस्टर ऑफ रशिया। फिर तीसरा इंडस्ट्रियल रीजन था लेनिन ग्राद, लेनिन ग्राद, लेनिन व्लादी वोत्सोक, व्लादी, तो ऑटोमोबाइल और शिप मैन्युफैक्चरिंग। और फिर एक था मिडिल वोल्गा, मध्य वोल्गा। फिर हमने फ्रांस और जर्मनी के देखे, तो वहां पे एक इंडस्ट्रियल रीजन था, उसका क्या नाम था, पश्चिमी त्रिभुजाकार प्रदेश, क्या नाम था, वेस्टर्न ट्रायंगुलर रीजन। तो वेस्टर्न ट्रायंगुलर रीजन नाम से एक था, जहां पे फ्रांस था और एक जर्मनी था, उसके साथ साथ एक कौन सा था, बेल्जियम वाला पार्ट था। यहाँ पे कुछ नाम पड़े, जैसे हमने राइन नदी है, निम्न राइन या रूर के नाम से हमने देखा इंडस्ट्रियल रीजन, स्टील के लिए जर्मनी में वो नाम आते हैं, हम जानते हैं। फिर आपने यहाँ पे एक नाम देखा फ्लेंडर्स प्रदेश, कौन सा, फ्लेंडर्स, टेक्सटाइल के लिए। फिर एक नाम यहाँ पे हमने देखा सांब्रे कंपाइन, सांब्रे कंपाइन, सांब्रे कंपाइन। और फिर एक देखा निम्न भूमि, लोलैंड एरियाज, उसमें एक जगह मिली हमें एंटवर्प नाम की जगह, एंटवर्प नाम की जगह, डायमंड कटिंग, डायमंड कटिंग के लिए यहाँ पे पूरी दुनिया में जाना जाता है, ये मेजर सेंटर है। फिर यहाँ पे आपको नाम मिला अल्सास, लोरेन, सार,
अल्सास लोरेंसार, अल्सास लोरेंसार कहाँ है? फ्रांस और जर्मनी में। किसके लिए जाना जाता है? स्टील, आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। यहाँ फ्रांस का एक शहर कौन सा है? नैन्सी। कौन सा है? नैन्सी। फिर आपने जर्मनी वाले पार्ट में देखा, तो जर्मनी वाले पार्ट में हमने कौन कौन सा क्या देखा? अपर राइन रीजन का, उसको क्या बोला? उसको अपर राइन रीजन। तो अपर राइन रीजन में पहले तो ऑटोमोबाइल के लिए स्टुटगार्ट म्यूनिक, स्टुटगार्ट म्यूनिक, स्टुटगार्ट म्यूनिक, स्टुटगार्ट। और फिर उसके बाद में एक नाम देखा इसमें, फ्रैंकफर्ट फाइनेंशियल हब, फ्रैंकफर्ट। हैम्बर्ग में क्या है? सिप मैन्युफैक्चरिंग। हैम्बर्ग में क्या है? सिप मैन्युफैक्चरिंग है। फिर वहां पे हमने फ्लेंडर्स देखा, और यहाँ पे एक नाम और मिलता है ऐसा, साइलेसिया। कौन सा नाम है? साइलेसिया रीजन मिलता है हमें, साइलेसिया। और फिर साइलेसिया के साथ साथ हमने एक चीज यहाँ पे देखी, पो घाटी क्षेत्र या उत्तरी इटली, नदन इटली। पो घाटी क्षेत्र कहाँ है? इटली में है। पो नदी वहीं पे है, तो इटली से संबंधित है। फिर एक क्षेत्र वो नॉर्वे और स्वीडन, वहां पे वाले को क्या बोलते हैं? दक्षिणी स्कैंडिनेविया या साउथ स्कैंडिनेविया। दक्षिणी स्वीडन का किरुना और गेलिवर, वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है? वहां पे आयरन, आयरन और आयरन मिलता है। और उसके साथ साथ आप देखते हो कि वहां पे क्या चीज, डेनमार्क, डेनमार्क में कौन सा उद्योग मिलता है? डेयरी उद्योग मिलता है। और फिर एक जगह हमने वहां वाले पार्ट में कौन सी देखी, वाइन, वाइन कहाँ मिलती है? फ्रांस में, सैंपेन बोर्डो, सैंपेन बोर्डो, सैंपेन। फिर यूक्रेन, यूक्रेन वाले इंडस्ट्रियल रीजन में क्या क्या देखा? स्टील इंडस्ट्री तीन जगह, कहाँ कहाँ? एक तो डोनेट्स्क रीजन, डोनेट्स्क रीजन, क्रिवोई रोग, क्रिवोई रोग, और क्रीमिया, क्रीमिया नाम का प्रायद्वीप है। वहां पे मैंगनीज का मिलता है, अरे मैंगनीज का मिलता है, निकोपोल, निकोपोल नामक स्थान है, वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है? मैंगनीज। और यूक्रेन को क्या कहा जाता है? ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप, ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप। फिर हमने एशिया पढ़ा, ये था उसमें इंडस्ट्री रीजन में, यूरोप में। तो फिर एशिया पढ़ा, एशिया में हमने क्या पढ़े? माउंटेन्स। और एशिया के माउंटेन्स के देखे नाम बताओ, कौन कौन सा माउंटेन है? पोंटीन, चलो बताओ देखे एक बार, नाम बताओ एशिया के माउंटेन्स के, ये कौन सा है? पोंटीन, टोरस, एल्बुर्स, जागरोस, पोंटीन, टोरस, एल्बुर्स, जागरोस, एनाटोलिया। ये को अरारात, कौन सा है? अरारात नाम का माउंटेन, तो पोंटीन टोरस। और ये कौन सा है? असीर। ये हिंदुकुश, सुलेमान, सोल्ट रेंज, पाकिस्तान, छगई पहाड़ियां। ये कौन सा है? पामीर। ये हिमालय, कुल्लून शान, तियन शान, अल्ताई, शान, खिंगन। और ये कौन सा है? अराकान, जोमा। और ये पुंचक, जाया। और ये कौन सा है? फ्यूजी पर्वत। मेरे को बताओ देखिए, पोंटीन टोरस कहाँ है? टर्की, टर्की वाले पार्ट में स्थित है। और आप इसके बारे में जानते हैं कि ये यहाँ से टोरस से तिग्रिस यूफ्रेट्स नाम की नदियाँ, एल्बुर्स जागरोस ये कहाँ है? ईरान में स्थित है। और यहाँ पे एल्बुर्स में स्थित माउंट देमावन वेस्ट एशिया की हाईएस्ट है। अरारात पर्वत कहाँ है? टर्की, टर्की का हाईएस्ट है। जंक्शन पे स्थित है मृत ज्वालामुखी, डेड वोल्केनिक पीक है। असीर माउंटेन सऊदी अरब और यौन, यहाँ पे यमन वाले पार्ट में हिंदुकुश, अफगानिस्तान, सुलेमान पाकिस्तान, सोल्ट रेंज पाकिस्तान, छगई पहाड़िया पाकिस्तान। और फिर ये कुल्लून शान, ये खिंगन, ये तो चाइना में। पामीर विश्व की छत कहते हैं इसको, पामीर को क्या कहा जाता है? विश्व की छत माउंटेन्स में। और ये कई कई देशों के सीमा क्षेत्र पर स्थित है, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, यहाँ पे इस वाले पार्ट में चाइना। और फिर आप देखते हो कई सारे सारे के सारे माउंटेन्स जंक्शन पे यहाँ आकर मिलते हैं। और इधर फिर आपको मिलता है यहाँ पे अराकान योमा, कहाँ है? वेस्ट म्यांमार में स्थित है। कैसा है? नवीन वलित पर्वत, एक तो बर्मा प्लेट और एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दोनों का क्या हो रहा है? अभिसरण। हाईएस्ट पीक बताओ इसकी, माउंट विक्टोरिया, विक्टोरिया। तो एक तो यहाँ पूर्वांचल अंडमान निकोबार, वो इसी का पार्ट माने जाते हैं। और आप देखते हो कि ये किसमें शामिल है? छत्तीस। इंडोनेशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पुंचक जाया। और फ्यूजी कहाँ है? जापान, और जापान में स्थित है। और आप इसमें देखते हैं कि क्या है ये स्थित, सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनिक पीक है। और आप जानते हो कि ये प्रशांत महासागरीय अग्निवली, रिंग ऑफ फायर, उसका पार्ट माना जाता है। फिर आपने इसके बाद में यहाँ पे पढ़े पठार, पोंटीन टोरस के बीच में कौन सा है? एनाटोलिया का पठार। इंटर माउंटेन प्लेटो है, अंतः पर्वतीय पठार है। इसलिए कैसी परिस्थितियां है? शुष्क परिस्थितियां, ड्राई कंडीशंस मिलती है। और आप देखते हो कि यहाँ पे टर्की की राजधानी अंकारा स्थित है। और क्या कहा जाता है इसको? एशिया माइनर। एल्बुर्स जागरोस के बीच में कौन सा है? ईरान का पठार स्थित है यहाँ पे। यहाँ पे भी शुष्क परिस्थिति है, क्योंकि इंटर माउंटेन है, दो डेजर्ट मिलते हैं यहाँ पे।
दस्ते लूट दस्ते काविर, दस्ते लूट दस्ते दस्ते लूट। पाकिस्तान में कौन सा मिलता है? पोटवार, पोटवार का पठार। इस्लामाबाद और रावलपिंडी स्थित है, और यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स जीवाश्म ईंधन मिलते हैं। यहाँ पे सेंट्रल एशिया में कौन सा मिलता है? उस्तयूर्त का पठार। कौन सा? उस्तयूर्त का पठार। कौन सा मिलता है? उस्तयूर्त का पठार। और फिर हिमालय कुनलुनशान के बीच में कौन सा है? तिब्बत का पठार है। दोनों के बीच में कुनलुनशान, हिमालय के बीच में विश्व का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट, विश्व का सबसे ऊंचा, हाईएस्ट प्लेटो है। ग्लेशियर्स बनते हैं हिमनद, इसलिए कई नदियों का उद्गम होता है यहाँ से, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ऐसी कई नदियों का। यहाँ पे म्यांमार में कौन सा है? शान, शान का पठार है, म्यांमार में स्थित है। यहाँ से चांदी मिलती है हमें, सिल्वर मिलता है, और उसके साथ साथ आप इस वाले पार्ट में देखते हो साल्विन, साल्विन नदी इस पठार से बहती है। चाइना वाले पार्ट में एक पठार है, उसका नाम क्या है? लोएस, लोएस का पठार है। ये देखे हमारे पर्वत और पठार, फिर उसके बाद में हमने क्या पढ़ी? मैदान। तो देखिये मैदानों के नाम बताओ, कौन कौन से मैदान पढ़े हमने? सबसे पहले हमने एक मैदान पढ़ा, कौन सा? मेसोपोटामिया का मैदान। फिर उसके बाद में हमने एक मैदान पढ़ा यहाँ पे, यहाँ वाले पार्ट में कौन सा पढ़ा? तुरान, तुरान के मैदान। ये कौन से हैं? ग्रेट चाइना प्लेन्स। और ये कौन से हैं? मंचूरिया के मैदान। और ये कौन से हैं? ये साइबेरिया के मैदान। चलो इनकी बातें बताओ, देखिए मेरे साइबेरिया का मैदान है ये, तुरान, ये मेसोपोटामिया के मैदान। कहाँ है? तिग्रिस यूफ्रेट्स नदियों के बेसिन में। और कहाँ मेनली? इराक, इराक में स्थित है। और यहाँ आप इस वाले पार्ट में देखते हो कि यह सभ्यताओं का पालना, क्योंकि पुरानी प्राचीन सभ्यताओं की जन्य होने के कारण क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन इसको कहा जाता है। फॉसिल फ्यूल्स यहाँ इस वाले पार्ट में मिलते हैं। तुरान के मैदान कौन से कहाँ है? मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया में। तू असी अमूदरिया सिरदरिया, अमूदरिया नदियां यहाँ से बहती है। और आप देखते हो कि इस वाले पार्ट में आपको दो डेजर्ट मिलते हैं, किजिलकुम काराकुम, किजिलकुम काराकुम, किजिलकुम किजिलकुम। ग्रेट चाइना प्लेन्स चाइना में मिलते हैं, यांगसी और सिक्यांग नदियों के बेसिन क्षेत्र में। मंचूरिया के मैदान चाइना वाले पार्ट में। कैसे हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स है। साइबेरिया के मैदान कहाँ मिलते हैं आपको? रशिया में स्थित है। कहाँ से? यूराल पर्वत, यूराल पर्वत से लेकर लीना नदी, यूराल माउंटेन से लीना, लीना नदी के तक। कौन कौन सी तीन नदियां हैं? ओब यनेसी लीना, ओब यनेसी लीना, ओब यनेसी, तीन नदियां उनके बेसिन वाले पार्ट में स्थित है। और आप देखते हो औषधि चट्टाने, सेडिमेंट्री रॉक्स होने के कारण वहां पे कृषि क्रियाएं, एग्रीकल्चर इस वाले पार्ट में पॉसिबल नहीं है। अगर आप बताना चाहो यहाँ पे कि पठार वो डेजर्ट कौन कौन से हैं, तो एक तो यहाँ वाले पार्ट में मिलता है हमें कौन सा? रुबल खली डेजर्ट मिलता है। एक थोड़ा ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पे मिलता है कौन सा? तकला, तकला मकान मिलता है। और उसके साथ साथ एक कौन सा मिलता है यहाँ उससे ऊपर वाले पार्ट में? गोबी डेजर्ट। चलो इनकी लोकेशन बताओ मेरे को, ये तो कहाँ है? सऊदी अरब में स्थित है। ये भी कहाँ? चीन। ये गोबी मंगोलिया के साउथ में, चाइना के नॉर्थ में स्थित है। और इसकी लोकेशन तकला, तैसे तियनसान, कैसे कुनलुनशान के बीच वाले पार्ट में स्थित है। और तैसे तारीम बेसिन, तारीम नाम की नदी भी इस वाले पार्ट में मिलती है। मेरे को बताओ ये डेजर्ट तो यहाँ कर्क रेखा गुजर रही है, तो कैसा है? गर्म। और ये दोनों डेजर्ट कैसे हैं? ठंडे मरुस्थल है। और यहाँ पे इनमें पथरीला मरुस्थल कौन सा है? गोबी। गोबी को फेंक के मारते हो, ये तो थोड़ा हमादा का एग्जाम्पल है। ये दोनों के दोनों किसके एग्जाम्पल है? अर्क एग्जाम्पल है। अर्क एग्जाम्पल में सबसे बड़ा, अर्क एग्जाम्पल में दूसरा सबसे बड़ा, सेकंड कौन सा है? तकला मकान, अरब डेजर्ट का पार्ट है। और यहाँ देखते हैं फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं। यहाँ पे वृष्टि छाया क्षेत्र में होने कारण इसका निर्माण हुआ है, तकला मकान का, रेन शेडो रीजन में होने कारण। और यहाँ पे आप इस वाले पार्ट में देखते हैं कि एक झील है चाइना में, लोपनूर झील। कौन सी है? परमाणु परीक्षण करता है। और गोबी डेजर्ट वाले पार्ट में आप देखते हो कि यहाँ पे फॉसिल्स मिलते हैं आपको जीवाश्म, और ये भी वृष्टि छाया क्षेत्र, रेन शेडो रीजन में स्थित होने के कारण इसका निर्माण हुआ है। फिर उसके बाद में क्या पढ़ी थी हमने? झीलें, झीलों के नाम याद है सारों के? चलो देखे बताओ, चलो इसको देखे बता दो। ये पहली कौन सी झील है? मृत सागर। यहाँ पे डेड सी इसराइल और जॉर्डन के बॉर्डर रीजन पे स्थित है। और यहाँ पे देखते हो ब्रंस काटी में स्थित है। यहाँ ये लवणीयता इसकी काफी ठीक ठाक मिलती है, घनत्व भी अधिक है, इसलिए आसानी से इसमें तैर सकते हो। और विश्व के स्थलीय भागों का सबसे लोवेस्ट पॉइंट वो कहाँ मिलता है? मृत सागर वाले पार्ट में। एक नदी आकर गिरती है उसमें, जॉर्डन, जॉर्डन नदी आकर गिरती है, जिसके पानी को मोड़ने के कारण पानी कम हो रहा है इसमें। वानगोल टर्की, वानगोल टर्की, टर्की में लवणीय है, सबसे बड़ी लवणीय है। उर्मिया ईरान, उर्मिया ईरान, उर्मिया मीठेपन, लवणीय झील है ये भी सबसे बड़ी। और फिर उसके बाद में कैस्पियन सी कहाँ स्थित है? ये तारिक, तारिक में स्थित है। तारिक बोले तो
तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रसिया, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रसिया, ईरान, तो ये कौन सा है? कैस्पियन सागर। और यहां हम देखते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी झील माना जाता है इसको, अगर जल राशि माने तो। और कैसा है? लवणीय। दो नदियां आकर गिरती है, जुराल और वोल्गा, जुराल और अजरबैजान की राजधानी बाकू। पेट्रोलियम के लिए फेमस है जो उसके किनारे स्थित है। अरल सागर, कऊ, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। और अमू दरिया, सिर दरिया नदियां आती है इसमें, और पानी उनका मोड़ने कारण पानी बहुत कम देखा जा रहा है, सिकुड़ रही है। कौन? अरल सागर। बलकास, कास में, कजाकिस्तान में होती, कास में मीठे पानी की झील होती। फिर बाद में इसिकुल, इसिकुल किर्गिस्तान, इसिकुल किर्गिस्तान में स्थित लवणीय, सबसे बड़ी लवणीय झील है। फिर उसके बाद में उफ्नूर, मंगोलिया, उफ्नूर मंगोलिया, उफ्नूर मंगोलिया की लवणीय झील है। फिर उसके बाद में बैकाल, रसिया, बैकाल ब्रंस घाटी में स्थित है, गहरी झील है सबसे, और आयतन के आधार पर वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ी झील कौन सी है? बैकाल झील। किंघाई, संघाई मतलब चाइना में स्थित लवणीय, लवणीय झील है सबसे बड़ी। फिर उसके बाद तोनले सेप, कंबोडिया, तोनले सेप कंबोडिया, कंबोडिया में स्थित है, साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी झील है। एक नदी का उद्गम होता है तोनले सेप, जो किसमें जाकर मिलती है? मेकोंग, मेकोंग नाम की नदी है उसमें जाकर मिलती है, और विश्व की 36 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में शामिल है। फिर उसके बाद में टोबा टोबा, इंडोनेशिया में भी एक झील है, तो इंडोनेशिया की एक ऐसी झील है, ये कालडेरा, सबसे बड़ी कालडेरा लेक है, और ये भी यहाँ पे टोबा झील। बीवा, जापान, बीवा जापान, तो जापान में स्थित है बीवा नाम की झील, और जो कि कैसी है? मीठे पानी की झील है। उसके बाद में नदियां थी हमारी, कौन कौन सी है? तिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियां। कहाँ से? टोरस, टोरस माउंटेन से कहाँ जाती है? फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ पर्शिया वाले पार्ट में जाती है, मेसोपोटामिया के मैदानों से बहती है। पुराने जमाने में इनको दजला और फरात के नाम से जानते थे। दजला तो किसको? तिग्रिस, यूफ्रेट्स को, फरात, जो तिग्रिस है उसके किनारे इराक की राजधानी बगदाद, और यूफ्रेट्स फर्स्ट आती है, मतलब वेस्ट एशिया की लॉन्गेस्ट है। ये दोनों मिलने के बाद में क्या कहलाती है? सत अल अरब, सत अल अरब मतलब अरब की नदियां, रिवर्स ऑफ अरब, फिर यहां चली जाती है। सिर दरिया, अमू दरिया, ये नदियां कहां से? पामीर, पामीर से ओरिजिन होकर यहां चली जाती है। फिर हेलमंद नदी, हिंदुकुश, हिंदुकुश से हामुनपू नाम की एक झील है वहां जाकर गिरती है। अफगानिस्तान की लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबी नदी है, और आप देखते हो कि यहाँ पे क्या मिलता है आपको? गोल्डन क्रिसेंट, गोल्डन हाफ मून, स्वर्णिम अर्ध चंद्रमा यहाँ इस वाले पार्ट में देखने को मिलता है, जहां क्या होता है? अफीम की गैरकानूनी खेती, वो कहाँ मिलता है? पाई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ईरान वाले पार्ट में होता है। फिर आपको रशिया की तीन नदियां, ओब, येनेसी, लीना, ओब, येनेसी, कहां से ओरिजिन होती है? अल्ताई, श्यान, बेकाल, अल्ताई, श्यान, ये जाती है ओब की खाड़ी, गल्फ ऑफ ओब, येनेसी खाड़ी में, लीना नदी लेप्टेव सागर में। लीना नदी में गोल्ड, सोना मिलता है, और लीना एल से लॉन्गेस्ट, रशिया की सबसे लंबी नदी है। यहां क्या मिलता है? पेट्रोलियम। ओब की सहायक नदी इर्तिस, कौन सी है? इर्तिस। और इसमें देखते हैं अंगारा, तुंगस्का, अंगारा, अंगारा, तुंगस्का, और ये फिर एस्चुरी, एस्चुरी डेल्टा बनाती है, इतनी काम की बात नहीं है। बॉर्डर रीजन से कौन सी नदी? आमूर नदी। बॉर्डर रीजन से कहाँ जाती है? गल्फ ऑफ टार्टरी, टार्टरी खाड़ी में चली जाती है, ब्लैक ड्रैगन नदी भी इसको कहा जाता है। फिर हम उसके बाद में देखते हैं कि चाइना की तीन नदियां, और चाइना की तीन नदियां कौन कौन सी है? वांग ही, यांग सी, सिकी यांग, वांग ही, यांग सी, सिकी यांग। वांग ही नदी कहां से? किंगाई, किंगाई प्रांत से कहां जाती है? बोहाई की खाड़ी या गल्फ ऑफ बोहाई वाले पार्ट में चली जाती है। ये एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और आप इसके बारे में एक चीज जानते हैं कि सबसे अधिक अवसाद लाती है, तो बाढ़ की समस्या क्रिएट करती है, चीन का शोक, सोरो ऑफ चाइना इसको कहा जाता है, और कैसे रंग के अवसाद लाती है? पीले रंग के अवसाद, इसलिए इसको पीली नदी या येल्लो रिवर भी कहा जाता है। फिर आपके बाद में यांगसी, यांगसी का ओरिजिन कहां से? तिब्बत का पठार। सिकियांग का ओरिजिन तिब्बत का पठार। यहां से मेकोंग आएगी, मेकोंग का ओरिजिन तिब्बत का पठार। साल्विन का ओरिजिन तिब्बत का पठार। तो यांगसी तिब्बत के पठार से कहां जाती है? पूर्वी चीन सागर, ईस्ट चाइना सी में जाती है। आप इसके बारे में देखते हैं कि ये एशिया की सबसे लंबी नदी और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे बड़ा डैम बना हुआ इस पे, थ्री गोर्जेस डैम, जो कि विश्व का सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन करने वाला डैम है। और यहाँ पे दो शहर है, संघाई, वुहान, संघाई और
वुहान नाम के शहर है, और पेट्रोलियम लोह आयरन ओर वगैरह इस वाले पार्ट में मिलते हैं। सिकियांग तिब्बत, तिब्बत से साउथ चाइना सी, पर्ल रिवर के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर हमने देखा कि आपको एक नदी मिलती है छोटी सी रेड, रेड रिवर के किनारे मिलता है। वियतनाम की राजधानी हनोई, हनोई रिवर मिलता है। फिर एक चाओ प्राया, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। फिर आपको मिलती है मेकोंग नाम की नदी, यहाँ तिब्बत से ओरिजिन होकर कहाँ जाती है, वो साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर वाले पार्ट में जाती है। और आप देखते हैं कि मेकोंग साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी नदी है। कंबोडिया में इसकी साइक नदी आकर मिलती है इसको, कौन सी, टोनले सैप। कौन सी नदी मिलती है, टोनले सैप। और फिर आप देखते हैं कि इसके बेसिन क्षेत्र में आपको क्या मिलता है, स्वर्णिम त्रिभुज, गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल वो कहाँ मिलता है, MLT, म्यांमार लाओस थाईलैंड, म्यांमार लाओस थाईलैंड वाले पार्ट में मिलता है आपको, MLT वाले पार्ट में। और फिर आप उसके बाद में देखते हैं दो देशों की राजधानियां, जैसे कंबोडिया की राजधानी कौन सी है, नाम पेन है, और लाओस की वियंतियन, लाओस वाली वियंतियन। फिर इसके बाद में साल्विन नाम की नदी, जो कि तिब्बत, तिब्बत से ओरिजिन होकर कहाँ जाती है, मर्तबान की खाड़ी, गल्फ ऑफ मर्तबान में, और शान के पठार से बहती है, थाईलैंड म्यांमार के बीच में सीमा बनाती है, जो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसके बाद में हमने देखा इरावदी, इरावदी नाम की नदी कहाँ से ओरिजिन होती है, हिमालय से निकलने वाली धाराओं से अंडमान सागर में जाती है, अराकान योमा पेगू योमा के बीच से फ्लो करती है। और फिर आप देखते हो कि चिंदविन सहायक नदी है, यांगून नाम का शहर है, और म्यांमार में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और फिर उसके बाद में एक नदी आती है आपके पास लास्ट में सूरमा, कौन सी नदी है, ये कहाँ की है, बांग्लादेश, बांग्लादेश की प्रमुख नदी है। और फिर आप उसमें देखते हो कि कहाँ से मणि, भारत में किस नाम से जानते हैं, बराक, मणिपुर में। और फिर उसके बाद में गंगा जमुना से मिलने के बाद क्या बन जाती है, मेघना, मेघना नदी मिल जाती है। इस पर एक प्रोजेक्ट है, कौन सा, तिपाईमुख, तिपाईमुख नाम से प्रोजेक्ट, जो भारत और बांग्लादेश मिलकर उसका संयुक्त रूप से क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। और उसके बाद में हमने पढ़ी इंडस्ट्रीज, और उसमें पहले पहले पढ़ा हमने कहा कि चाइना, चाइना की इंडस्ट्री में आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज को देखा हमने पहले, तीन जगह आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज मिलती है यहाँ पे, कौन कौन सी, मुकदेन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है, मुकदेन ट्रायंगल में मिलता है आपको। तो वो हुआ तीन चीजें, सेयांग फुसबन अनसान, सेयांग फुसबन अनसान, सेयांग फुसबन। फिर आपको कोयला मिलता है सान सी सान जी सान डोंग, सान सी सान जी। और फिर कॉटन टेक्सटाइल तो मिलता है संघाई, और ओनली टेक्सटाइल मिलता है बीजिंग, बीजिंग वाले पार्ट में, तो संघाई में, और कैंटन में कॉटन टेक्सटाइल, और बीजिंग में आपको क्या मिलता है, ओनली टेक्सटाइल, और टिन का मिलता है यूनान। फिर जापान के इंडस्ट्रियल रीजन देखे तो वहां हमने चार इंडस्ट्रियल रीजन देखे, तो चार इंडस्ट्रियल रीजन कौन कौन से देखे हमने, पहला तो कौन सा देखा, टोक्यो योकोहामा कावासाकी, टोक्यो योकोहामा कावासाकी, टोक्यो केहिन प्रदेश, कौन सा, केहिन प्रदेश, कौन सा, कांटो क्वांटो, कांटो क्वांटो, कांटो क्वांटो, कांटो एक तो ऑटोमोबाइल और शिप मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा इंडस्ट्रियल रीजन कौन सा है, नगोया, नगोया प्रदेश, ये किसके लिए जाना जाता है, ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल और। तीसरा ओसाका कोबे किनकी प्रदेश, ओसाका कोबे किनकी प्रदेश, ओसाका कॉटन टेक्सटाइल के लिए, ओसाका क्या है, जापान का मैनचेस्टर है। उसके बाद चौथा इंडस्ट्रियल रीजन अपना कौन सा है, यवाटा नागासाकी, यवाटा यवाटा नागासाकी, यवाटा। और यवाटा नागासाकी, एक तो नागासाकी किसके लिए जाना जाता है, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के लिए, और उसके साथ साथ आपको उस वाले पार्ट में क्या मिलता है, वहां पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री के साथ साथ क्या मिलता है, शिप मैन्युफैक्चरिंग। तो ये कहाँ की इंडस्ट्रीज थी, जापान, जापान की इंडस्ट्रीज थी। उसके बाद में हमने इस वाले पार्ट में पढ़ा ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ हमें कौन सा माउंटेन मिलता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है। कैसा माउंटेन है ये हम देखते हैं कि नवीन वलित, प्राचीन वलित पर्वत, ये पुराना है, प्राचीन वलित पर्वत, ओल्ड फोर्ड माउंटेन, स्नोई माउंटेन रीजन में इसकी सबसे ऊंची चोटी मिलती है आपको, कौन सी, कोस्क्विस्को, कौन सी है, कोस्क्विस्को मिलती है। और फिर आप देखते हो कि पूर्वी ढालों पर भारी वर्षा, हैवी रेनफॉल, और यहाँ से कुछ नदियों का उद्गम होता है, कौन सी, मर्रे डार्लिंग मरुम्बिजी, मर्रे डार्लिंग। तो इस माउंटेन के बाद में आप देखते हो इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, पूर्वी पठारी प्रदेश, पश्चिमी पठारी प्रदेश, वेस्टर्न प्लेटो रीजन, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में, पुराना है, पठारी प्रदेश है, किसका एग्जाम्पल है, सिल्ड का एग्जाम्पल है। ऑस्ट्रेलिया के कितने भाग में फैला हुआ है, दो तिहाई भाग में, खनिज मिलते हैं जैसे पिलबरा आयरन, पिलबरा आयरन,
कालगुरली कुलगाड़ी, कालगुरली कुलगाड़ी क्या मिलता है? सोना। फिर डार्विन में क्या मिलता है? यूरेनियम। डार्विन में यूरेनियम। किम्बरली हीरा। फिर आप देखते हो यहाँ पे शुष्क परिस्थितियां मिलती है, इसलिए डेजर्ट मिलते हैं, जैसे ग्रेट सेंडी, ग्रेट विक्टोरिया गिब्सन, ग्रेट सेंडी, ग्रेट विक्टोरिया गिब्सन, तनामी सिम्पसन, तनामी सिम्पसन, तनामी, ये डेजर्ट मिलते हैं। और एक यहाँ पे एक झील मिलती है आपको, कौन सी? डिसअपॉइंटमेंट झील। कौन सी? जिसके ऊपर से कौन गुजरती है? मकर रेखा, मकर रेखा। एक सिंगल चट्टान मिलती है किसी आपकी, कौन सी? आयर रॉक। कौन सी? आयर। स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं उसको? उलुरू। क्या बोलते हैं? उलुरू। फिर उसके बाद में आपको कुछ और मिलते हैं मैदानी क्षेत्र में, जैसे इस पार्ट में आपको क्या मिलता है? ग्रेट आर्टिसन बेसिन। क्या बोलते हैं? ग्रेट आर्टिसन बेसिन, विश्व के सबसे बड़े आर्टिसन बेसिन। जब जल दो अपारगम्य चट्टाने इम्प्रीमेबल रॉक्स के मध्य उपस्थित होता है तो अपने आप ही सतह से बाहर रखता है जब उच्च दाब परिस्थितियों में होता है। इस आपके जो पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ से वाटर की रिफिलिंग होती है, और पश्चिमी रीजन है वहां पे वाटर क्या होता है? बाहर निकलता रहता है मरुस्थलीय क्षेत्रों में। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? पाताल तोड़ कुआ या उत्सृत कूप। पाताल तोड़ कुआ या फिर उत्सृत कूप कहा जाता है। फिर आप देखते हो कि साउथ वाले पोर्शन में आपको यहाँ पे कौन से मैदान मिलते हैं? मर्रे डार्लिंग बेसिन। ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्टर्न पोर्ट में, ईस्टर्न पोर्शन में कैसा है? मर्रे डार्लिंग बेसिन। ये ऑस्ट्रेलिया के लिए कृषि के लिए उपयोगी है, इसलिए खाद्यान्न का कटोरा, फूड बाउल कहा जाता है। और यहाँ पे इसमें शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान मिलते हैं हमें, कौन से? डाउंस, डाउंस नामक में घास के मैदान मिलते हैं यहाँ पे। और फिर आप आगे चलते यहाँ पे देखते हो कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे मिलते हैं कौन से? नल्लार बोर के मैदान। ये कहाँ मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया के साउथ वाले पार्ट में। नल्लार बोर के मैदानों में आप देखते हो अर्ध शुष्क परिस्थितियां, सेमी एरिड कंडीशंस के कारण छोटे पेड़ पौधों का विकास होता है, इसलिए यहाँ पे छोटे पेड़ पौधे का विकास होता है। और यहाँ पे क्या मिलता है आपको? चूना पत्थर की चट्टाने मिलती है, इसके कारण ज्यादा एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। एक झील मिलती है यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया में, कौन सी? आयरे नामक झील मिलती है, जो कि कैसी है? लवणीय झील है, सलाइन लेक है, सबसे बड़ी झील है ऑस्ट्रेलिया की। और यहाँ हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु, लोवेस्ट पॉइंट आपको देखने को मिलता है। और इसका एक अंतस्थलीय अपवाद अंतर होने के साथ साथ यहाँ इसका एक नया नाम है। क्या नाम है? काटी ठंडा। क्या नाम है इसका? काटी ठंडा। मेरे को बताओ न्यूजीलैंड कितने द्वीपों में बटा हुआ है? न्यूजीलैंड ये दो द्वीपों में बटा हुआ है, उत्तरी और दक्षिणी, नॉर्थ और साउथ वाले आइलैंड्स में बटा हुआ है। इसके बाद में दक्षिणी द्वीप है, वहां पे हम देखते हैं क्या नाम है उस माउंटेन का? दक्षिणी आल्प्स। क्या नाम है? दक्षिणी आल्प्स। तो ये कैसा है? नवीन वलित पर्वत, और इनकी चोटी कौन सी है? माउंट कुक। और फिर इनके साउथ में आपको यहाँ पे मैदान मिलते हैं, कौन से? कैंटरबरी नामक मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय टेम्परेट ग्रासलैंड्स, इन्हीं के कारण न्यूजीलैंड डेयरी उद्योग के लिए फेमस है। फिर आपका उत्तरी आइलैंड है, यहाँ पे एक झील मिलती है आपको, कौन सी? तापू। तापू नाम की झील है, जो कि कैसी है? सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की झील है। कालडेरा, कालडेरा लेक है यहाँ पे इस वाले पार्ट में। और फिर आप एक चीज और देखते हैं, यहाँ पे एक सबसे लंबी नदी है न्यूजीलैंड की, क्या नाम है? क्या नाम है उसका? वेकाटो, वेकाटो नाम की है। फिर अंटार्कटिका में आपको एक माउंटेन मिलता है, ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत, कौन सा है? ये देखो ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत, वेडेल सागर, वेडेल सागर से लेकर रोस सागर तक फैला हुआ है। और ये हम देखते हैं कि विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, एल्सवर्थ माउंटेन रीजन में सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी? माउंट विंसन मैसिव, माउंट। और यहाँ हम देखते हैं कि अंटार्कटिका को दो भागों में बांटता है, बड़ा अंटार्कटिका और छोटा, वृहद और लघु, आपका ग्रेटर अंटार्कटिका और लेसर अंटार्कटिका। सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? अंटार्कटिका। और दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? आर्कटिक डेजर्ट। ये आपका कौन सा पोर्शन था? कॉन्टिनेंट वाला पोर्शन। ठीक है, पढ़ गए तो नहीं है सारे के सारे? हैं कहाँ पढ़ गया है? पढ़ा दिया आदमी की रेला अपने तो हैं। ये सर करे जा रहे हो, आधे जनों को तो देख के लग रहा था कि यार ये कब चुप होगा, कब जाके काम स्टार्ट होगा। ये भाग गए भैया भी यहाँ वाले, बोलो देखो चाय वाय लेके आए हैं तो आपके लिए मंगाए। कहाँ बोल तो नहीं रहे थे आप, नीचे गिरदन करके देख रहे थे सारे के सारे। कितनी देर लग गई हैं? एक घंटा तो कहाँ लग गया, चार बज गए क्या?
कल क्या पढ़ा था हमने? सर जो पहाड़ या डूंगर गांव में होते हैं उनका निर्माण कैसे हुआ? उनका निर्माण वैसे ही हुआ जैसे सारे पहाड़ों का निर्माण होता है, पर्वतों का निर्माण हुआ है। जैसे आपकी गांव में क्या ये आपके इस रीजन में जयपुर में ये माउंटेन मिलते हैं वो कौन से हैं? अरावली, वो अरावली पर्वतमाला है। तो अरावली पर्वतमाला प्राचीन वलित पर्वत है, दो जो प्लेटें उनका फोल्डिंग हुई है, अभिसरण हुआ है, उसी से उनका निर्माण हुआ है। ऐसा तो कुछ है नहीं कि इनका निर्माण अलग से हुआ है। अब ये कल क्या पढ़ रहे थे हम? एनर्जी। तो अब एग्रीकल्चर वाला मैं नहीं कराऊंगा रिवीजन, क्या करा दो आदमी हूं क्या वैसे जीव निकालोगे क्या? मेरे को चक्कर आ जाएंगे, मैं गिर जाऊंगा यहीं पे, आपका नाम लग जाएगा कि ये पीसीएम एट वाले पढ़ते तो खुद तो है नहीं। और एक बोला सा टीचर आता है और उसको परेशान कर लेते हैं।